ग्वालियर के नयापुरा मतदान केंद्र में ईवीएम की खराबी की जानकारी मिल रही है। सुबह 6:30 बजे से वोटर्स परेशान हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट और टेक्निकल टीम मौके पर मौजूद है। जानकारी मिल रही है ग्वालियर के नयापुरा से, जहां पर टेक्निकल टीम की मौजूदगी इस वक्त वहां पर है, लेकिन अभी ईवीएम की खराबी की जानकारी जो है मिल रही है, अभी तक ईवीएम ठीक नहीं हो पाई है और सेक्टर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में टेक्निकल टीम उस समस्या का निदान ढूंढने में लगी हुई है। और क्या ईवीएम मशीन बदली जाएगी या फिर उसी ईवीएम को दुरुस्त करके दोबारा से वहां पर स्थापित किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है ग्वालियर के नयापुरा से। सुबह 6:30 बजे से वोटर्स परेशान है, इस वक्त की बड़ी खबर। और तो और मुरैना से भी जानकारी ईवीएम की खराबी की मिल रही है। मतदान केंद्र संख्या 84 पर ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम खराब होने से वोटिंग प्रभावित हो रही है और वोटिंग के लिए लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। पहले दो चरणों में हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज कम था, लेकिन तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लेकिन उसमें एक और बाधा यहां पर ईवीएम की खराबी की मिल रही जानकारी, मुरैना से मिल रही जानकारी। यहां पर मतदान केंद्र संख्या 84 पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने की मिल रही है जानकारी और वोटिंग की प्रक्रिया इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि वोट डालने के लिए लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। वोटर्स काफी संख्या में पहुंच चुके हैं, मुरैना से मिल रही जानकारी। और ये पोलिंग बूथ संख्या 84 से डिटेल्स मिल रही है, जहां